दिल्ली में एमसीडी प्रचार का आखिरी दिन आज है और सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी बीच पश्चिम बिहार वार्ड नंबर 59 से बीजेपी प्रत्याशी विनीत वोहरा ने हमारी सहयोगी प्रियंका राय के साथ खास बातचीत की है। इस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ खुद बीजेपी के प्रत्याशी विनीत वोहरा हैं, जो कि वार्ड नंबर 59 के प्रत्याशी हैं और साफ तौर पर जनता के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है, क्योंकि लगातार बहुत समय से बेहतर काम किया है और खुद हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि जनता के दिल में उतरेगी और एक बार फिर से बीजेपी की को ही एमसीडी चुनाव में कमान मिलने वाली है, तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपने अपने इलाके के लोगों के लिए की है? मैम, अगर मैं काम गिनवाना शुरू करूं तो हम लोग शाम तक आपको लिस्ट ही बताते रह जाएंगे, बट मैं मुख्य तौर पर बता दूं कि हमारे यहाँ पर करीब बिटवीन 67 to 72 अलग अलग ब्लॉक्स और सोसाइटीज़ हैं, जिनमें हर ब्लॉक के अंदर हमने किसी में पार्कों में वॉकवे, किसी में पार्क्स की बाउंड्री वॉल, हाई मास्ट लाइट्स, प्ले स्टेशन, जिम्स, हमने जो पब्लिक ने RWAs ने हमसे डिमांड की, हमने वो सब पूरा करने की कोशिश करी। एमसीडी में, जैसे आप जानते हैं, नॉर्थ एमसीडी में फ़ंड नहीं था, बट हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी की हमारे को एमपी फंड से बहुत हेल्प मिली, जिस करके हम लोगों के बीच में काम भी कर पाए और उनके बीच में रह पाए। तो बीजेपी वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको देखते हुए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि लगातार जो दूसरे दल है वो कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रहे हैं? पॉल्यूशन का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरास का मुद्दा है, तो आपके इलाके में क्या कुछ ऐसी दिक्कत, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? मैम, कूड़े का तो वो भलसवा के लिए बात करते हैं, वो भी अगर आपने देखा होगा कि वो उसकी हाइट आधे से भी कम रह गई है, बल्कि वहाँ पे तो पावर जनरेशन शुरू हो गया उस कूड़े से। तो ये सब इनके दुष्प्रचार हैं, इनकी बातों में अब पब्लिक आने वाली नहीं है। बाकी अभी भी एमसीडी में अभी हमने जो नए संकल्प निकाले हैं, चाहे वो डॉग शेल्टर होम बनाना, लोग आवारा पशुओं से, कुत्तों से बहुत परेशान हैं, डॉग शेल्टर होम बनाने की बात हो रही है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात हो रही है, हमारे जितने भी पार्क्स हैं एमसीडी के उसमें सिंथेटिक ट्रैक्स बनाए जाएंगे, ये वो चीज़ें हैं जो हमने लोगों से, पब्लिक ने हमारे से डिस्कस करके, रिव्यूज करके उन्होंने हमारे को बताई हैं कि ये चीज़ें हम एमसीडी में चाहते हैं, और हमने संकल्प पत्र भी उसी हिसाब से तैयार किया है। और आने वाले टाइम पे दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाना, जो कि एमसीडी का, बीजेपी का पहले से ही ध्येय रहा है, सिर्फ ये जो अपना राज्य सरकार ने जो हमारे को पैसा नहीं दिया और 5 साल हमें परेशान करा, उसका भी सोल्यूशन केंद्र सरकार ने निकाल लिया है। तो आने वाले समय में अब एमसीडी में हम दोबारा काबिज भी होंगे और जनता की सेवा अगले 5 साल तक जोर शोर से करेंगे। सर, एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर भी रहा है, कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि तमाम बड़े वरिष्ठ चेहरे बीजेपी के सड़कों पर आ गए? खुद बहुत बार हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व अनुराग ठाकुर, डॉक्टर हर्षवर्धन, तमाम नेता दिल्ली की सड़कों पर एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या कारण है सर, बीजेपी का दबदबा या डर? मैडम, बीजेपी ना कैडर बेस्ड पार्टी है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे विनीत वोहरा हो, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात यह कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक आप जमीन से जुड़ के चुनाव नहीं लड़ोगे, आपको पब्लिक का प्यार नहीं मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन अगर आज सड़कों पे घूम रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी मांग रहे हैं, योगी जी मांग रहे हैं, तो एज बीजेपी के कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं, और हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेने वाले नहीं हैं। दबदबा हम बनाना नहीं चाहते, डर हमें किसी का है नहीं। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ की जनता विनीत वोहरा को चुनने वाली है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, जनता को कोई मैसेज खबर फास्ट के कैमरा पे? मैं पश्चिम बिहार की जनता का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने 5 साल मुझे बहुत प्यार दिया, और अभी भी जो मैंने प्रचार किया है, जब मैं गया हूँ लोगों के बीच, तो मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी से जीतने वाले हैं, और आने वाला टाइम बीजेपी पश्चिम बिहार में अपना परचम फैलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनीत वोहरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इन्होंने इलाके के लोगों के लिए काम काज किया है, उस काम काज के बुनियाद पर यहाँ की जनता उनको वोट देगी और आगामी समय में एक बार फिर से बीजेपी को ही एमसीडी में कमान मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।